सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी हम लोग जिस जगह है वो है पंचकुटी नौका विहार, जबलपुर बेड़ा घाट में। और अगर आप लोग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये जगह मिस करना बिल्कुल मत भूलना जबलपुर में। और ये जो बोटिंग है इन्होंने सिर्फ 150 रुपीस पर हेड चार्ज किया था, और वो भी एक घंटा हमें बोट में घुमाया था। पूरे नदी 350 फीट उसकी गहराई थी वहाँ तक के। आप लोगों को पूरा वीडियो में डिटेल्स पता चल जाएंगी। और गाइज, आपको पता है इस बोटिंग की एक और खास बात है कि यहाँ भैया की कमेंट्री शुरू थी। आपने कभी नहीं सुनी होगी बोटिंग में कमेंट्री, तो आप लोग एंजॉय कीजिए फटाफट से और तक के लिए वीडियो देखिए। वैसे भी टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, अभी कैमरे की बैटरी को बचा के रखना, अपने अपने मुखड़े को सजा के रखना, क्योंकि अभी मार्बल चला ब्लैक एंड व्हाइट और आगे चलना दिखाएंगे पेवर व्हाइट। 110 फीट मार्बल की हाइट, वहीं चमकाना कैमरे की लाइट, अभी बैठो एकदम टाइट, सेल्फी निकालो चारों साइड। हाँ, अभी हुआ है एंट्री, आगे से देंगे कमेंट्री। वैसे आधे घंटे में टेलर है, एक घंटे पूरी फिल्म फिल्म अशोका एंड मोहनजोदड़ो। हाँ, सेंटर पर ये नर्मदा जी के कंकाल, सजोते शिव शंकर, राम से बोलो शंकर भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, पार्वती मैया की, बैठने वाले दीदी भैया की जय। यहाँ भोलेनाथ, प्रेम से जोड़ो हाथ, और जो नहीं जोड़ेगा हाथ उसके बाहर आ जाएंगे पूरे दांत। सर मैडम जी नेचुरल सिबलिंग है, इसी नदी से निकाल के स्थापना की है। साल में गीते लगाने से, पूजा पाठ करने से, एक तिल बड़ा के महाशिवरात्रि के दिन नर्मदेश्वर थोड़ी से मनाए जाते हैं। ये नेचुरल है नर्मदेश्वर। सर मैडम जी पानी एकदम साफ है, बहता पानी कभी गंदा नहीं होता। बोलते हैं गंगा के नहाने से पाप मुक्त होते हैं, नर्मदा जी के दर्शन से। पानी देखने में ग्रीन, हाथ पे लेने में क्लीन, पीने में बेहतरीन। पानी एकदम साफ है, पीने बिसलरी का भी बाप है। पूरा शहर, पूरा एमपी, पूरा गुजरात पानी पी रहा है नर्मदा जी का। ये तो सारा भी टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। दीदी आपको थोड़ा तिखे बैठना, आपको बराबर पूरा तिखे बैठिए, यहाँ 50 ग्राम ज्यादा हो रहा था ना। सारे मार्बल देखो बाजू से, बैक साइड स्काई ब्लू मार्बल, ये आसमान कलर की चट्टाने। सारे इन्हीं को बोलते हैं हल्का नीला, लाढ़े ब्लू। यहाँ से गाइड की कमेंट्री शुरू और सुनते चलना गुरु। मार्बल देखो दूसरी साइड, आगे मार्बल ब्लैक एंड व्हाइट, ऊपर का मार्बल काई मिट्टी लगने से काले हैं, तोड़ने पे व्हाइट। यहाँ पानी गहराई 220 फीट। अरे आप लोग गहराई से डलना नहीं, बता देना जिसको ज्यादा डर लगता हो उनको पानी में छोड़ देंगे। जब डर खत्म हो गया मरने वाले के लिए चिल्लोरा पानी काफी है। चलना जाए यही आते सुलिंदात प्रेमनाथ, सात मई थी रेखा, सुलिंदात ने प्रेमनाथ को उठा उठा के फेंका। देखो मारते मारते गड्ढा पत्थर भी बैंड, बहुत पुराना पिक्चर है, अभी नया पे बना अशोका एंड मोहनजोदड़ो। सर मैडम जी बाजू पर देखो गुलाबी कलर पिंक मारो हंस के पास, देखा क्या बैठी थी रेखा, उसकी साड़ी कलर देखा उतनी जगह पिंक हो गई। रेखा की साड़ी कलर था कच्चा, इसलिए मार्बल हो गया पक्का। साड़ी बम्बई का था इसलिए कलर चला गया। साड़ी जबलपुर की होती साड़ी फट जाती, मेरा कलर नहीं जाता। हाँ तो सर देखेंगे बोट की आगे, बताइए साइड। हाँ अच्छा जी सर, तो सुनिए जो सही बताएगा यही उतारा जाएगा। गलत तो झूठी बोलना पड़ेगा। वैसे जाना नहीं कहीं, वापसी पे ले लेंगे हम लोग यही। क्या ना सर यहाँ पर रास्ते के कटिंग की नहीं, क्योंकि दोनों रास्ते बंद है। तो फर्स्ट वाला रास्ता चालू जहाँ से वो पानी चमक रहा है, पीछे देखो बैक साइड स्लेटिंग स्टोन गिरे मार्बल,
पहले इसका स्लेट पार्टी बनता था। अच्छा। जो पहले के बच्चे लिखते पढ़ते आजकल के बच्चे पेपर खराब करते सही से नहीं पढ़ते मम्मी पापा को बहुत परेशान करते मारते हैं नकल नहीं आती अकल आती है अकल शादी के बाद इन्हें सुधार देते घर पर कर है चाहे हर पत्थर मूर्तियां बना सकते हैं मगर उस पे सारी नेचुरल ब्यूटी खराब हो जाएगी। यहाँ पर मछली मारना सुबिन करना पत्थर तोड़ना ना डालाओ ओनली सुसा डालाओ बाकी बोर्ड छोड़ जो बोर्ड से करेगा उसको बचा लेंगे घर में जाके धीरे धीरे करके मारेंगे उसके बाद पूरी चौकी। यहाँ की दूसरी फिल्म थी जल जला यहाँ से डैनी और धर्मे जंप लगाते थे मगर सर जी बोनी लगाते थे उसके डबिंग फेंके जाते थे वो जंप लगाएंगे दोबारा फिल्मों में नजर नहीं आएंगे क्योंकि अब पानी गहराई और बढ़ चुकी है 350 फीट बोलते हैं 350 जिसको विश्वास नहीं तो घुस के देखे हीरो 24 घंटे के बाद 200 गई थी ये पया सर जंगल पर एक होटल है रुकने के लिए देखो वो एमपी टूरिज्म वालों का जंगल के बीच अच्छा होटल है एमपी टूरिज्म वालों का होटल मोटल रुकने का 4090 का टोटल साथ पे फ्री मिलती है बोतल ज्यादा खुशनों की जरूरत नहीं है बोतल का नाम बिसलरी पानी वाला क्या ना जिसकी तीसरे में घर सर आप लोग कमेंट्री में बोलते नहीं हो रहा ना नहीं 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 हाँ कच्चा वाला सुपर स्टोर निकल गया है इसलिए गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं वर्षा काले आती नदी में बाढ़ तो भर के चलते दोनों साइड के पहाड़ उस समय बंद कर देते नौका बिहार सर अपना नौका अब ये 15 जून से बंद और 15 अक्टूबर पे चालू 8 महीना बोर्ड से 4 महीना पहाड़ी पहाड़ी रोड से हाँ बारिश के कारण बारिश हुआ ना हो कलेक्टर परमिशन नहीं मिलता है क्योंकि 15 जून भाई 15 जून आपका अक्टूबर 4 महीने बोर्ड बंद पत्थर की कार पड़ी है बेकार जिसको चाहिए मिल जाएगी उधार और चलाने वाला चाहिए उसमें नया कला कार उसमें किया वो कला कार क्या ना सर जो कमेंट्री वगैरह हम लोग देते हैं आप लोग से सीख जाते हैं आप लोग कुछ यहाँ बताएंगे कमेंट्री में ऐड कर लेंगे अगली बार आप ही को सुनाएंगे कि यहाँ पानी पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है सब कुछ नेचुरल है मगर सामने गिरी वो चट्टाने जो पत्थर टूट के पड़े ना सर वही है मगर किसी को मगर हाथ उठाइए और अपने साठ वाले उठा के फेंक दीजिए देखना उसी को तो सबसे ज्यादा ज्यादा गोरा हो काले भाई भाई सर मगर इस जगह पे मगर नीचे चलेगा जहाँ सिर निकाल के किनारे पे बैठे रहते हैं मगर अभी तो नाइट में बोटिंग नहीं है जी नहीं सर अभी बंद चल रहा है नाइट बोट चलाते हैं शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा बाकी सब बोट बंद चल रहा है एक छोटा बोट फास्ट बताइए सर और तो नहीं घूमना आप लोगों को सर डबल चार्ज नहीं उस पे एक व्यक्ति का 50-50 लगेगा अच्छा लगे आगे का पैसा देना नहीं लगे तो मत देना गार्ड की गारंटी है पूरे 32 पॉइंट फिल्म 50 साल पुराना राज कपूर नरगिस ने गाया था गाना इस समय वो दोनों हो गए ऊपर रवाना वहीं मिलकर गा रहे बुल्लू गाना
भैया मंदिर बता छोड़ो सामने सर बोट के आगे देखिए नेशन नर्मदा टेम्पल उसका देखो पूरा सैंपल मंदिर की तरह इस पहाड़ी का सिर्फ देखना सर नेचुरल नर्मदा टेम्पल सर पीछे देखो बैक साइड बैड रोज वन पीस गुलाब का फूल इस पहाड़ी का सिर्फ देखने का है जस्ट इमेजिन सर नेचुरल कटिंग है सर नर्मदा जी ने काटा हुआ है सब नेचुरल कटिंग है सर बताते यहाँ का वैज्ञानिक लोग ये ढाई दिन के लिए मक्खन के पहाड़ पे जब नर्मदा जी ने रास्ता बना लिया तो पत्थर बन गया पूरा अभी की बात नहीं रामराज की बात है अब तो कलयुग का पहरा चल रहा है सही सामने वाला सीन निकाला है देखना पड़ेगा तो पानी के बीच में मरते क्या जी सर तो वो आया कैसे वो डूबा नहीं उनका मोटर बोट से आना जाना होता रहा जान दो बेटे सर सामने देखो ऊंची वाली पहाड़ी बंदर कुंदनी कभी यहाँ 12 फीट की दूरी थी कुंद गया था बंदर अब कुंदेगा बंदर तो जाएगा पानी के यहाँ लास्ट गहराई 600 फीट सामने वाला सीन निकाल सर जो देते कांच के फ्रेम के अंदर मार्केटों पे सीनरी पे अब ज्यादा कराए अपन यहीं से ये सामने देखो ऊंची वाली पहाड़ी हाँ इस साइड का मार्बल गिर गया है ये सामने का सीन निकाला फिल्म अशोका जो करीना मैडम यहीं पर बजरे वाली बोट पे डांस करके गाना गा रही थी रात का नशा अभी आंख से गया नहीं यहाँ 5 मिनट लड़का बोले हाय करीना और जब खाकी पदू डंडा मारे बोले भाई करीना क्या छेड़ बेसाल का नाम तोड़ो तो छेड़ना सर जब थोड़ा पानी कम होता ना तो 10 का नंबर और बढ़ जाती जब थोड़ा सा पानी कम होता है करके डैम से थोड़ा सा और फुट जाना चला जाता सही है क्या रिक्स नहीं लेता जान नहीं आता क्या जलपरी का पता है ना उसके साथ है थोड़ा बहुत तेज और आएंगे चाहिए उधर करंट ज्यादा हाँ करंट ज्यादा दादा करंट मतलब 100 रुपए की एक बेस्ट है दादू बाबा सर टपको लगा दी क्या आपका फोटो अच्छा आएगा ना क्योंकि कपड़े से फोटो नहीं आता यहाँ पर एकदम शांति है शांति लेना चाहे तो शांत सब जगह सर यहाँ पे कोई तो शांत हो जाए वैसे शांति मंडप में छुट्टी पर होगी 2 किलोमीटर आगे पड़ जाएगा गाँव का नाम है सकरी बड़केरा दूरी चरकुमा ललपुर बहुत गाँव कैसा लगा आप सबको ये वीडियो अंजनी का अंजनी माता का मंदिर हनुमान जी की मम्मी का और पसंद आ गए घर चलिए गाइस बाय अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल।